मैं उन बैंजी से मिला हूँ जिसमें जिसकी आंख में बड़ी गहरी चोट है, और जैसा उन्होंने बताया है कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि ये अब दांत ठीक नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से अन्याय हुआ है, अपराधी ने अपराध किया है, और अपराधियों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सरकार कार्रवाई करेगी। प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह का फीडबैक मिला है पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें, और आपकी पार्टी के जो क्षेत्रीय यहाँ पे नेता है उनसे भी किस तरह का फीडबैक मिला? कुछ बातें ऐसी होती है जो जनता में नहीं ले जानी होती है। सर लगातार जो एक पक्ष है यह कह रहा है कि हमें हमारे पक्ष को ज्यादा गिरफ्तार किया गया और हमारा पक्ष जो है हमारा मुद्दा ज्यादा, हम किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं मानते हैं, सब जनता हमारी है। लेकिन जो जनता में अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर उस जिस दिन में ज्यादा पथराव हुआ आपने वहाँ पे दौरा भी किया है सर, वहाँ पे अतिक्रमण की स्थिति बहुत खराब है और वहाँ पे अवैध जो ये प्रशासन जांच करेगा और जांच के बाद जो भी नियमों में प्रावधान है उसके हिसाब से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर एक जो आप राजकुमार जो मुद्दा उठ गया और आप मिस का इंटरप्रिटेट करके जिस तरह से मुद्दा आपका विरोध भी हुआ, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ आदिवासी हिंदू समाज के श्रेष्ठ अंग हैं, अच्छे लोग हैं, और आदिवासी का अर्थ कभी ये नहीं होता है कि एक जाति होगी। आदिवासी अनादि काल से इस धरती पर रहने वाले लोग, यानी जो पुरातन सभ्य से रह रहे हैं वो सब आदिवासी हैं, चाहे वो शूद्र कास्ट के लोग हो, चाहे शूद्र ट्राइब्स के लोग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, कोई भी हो। आदिवासी का अर्थ ही होता है अनादि काल से निवास करने वाले लोग। वो सब डोटासा साहब का भी लगातार एक बयान आ रहा है जिसमें वो कोटा में जो हुआ और अभी मामले दर्ज किए थे वो सरकार के खिलाफ और काफी कुछ ऐसे बयान आए। उनके बारे में क्या कहूँ, उनसे ज्यादा कम बुद्धि वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे खिलाफ मल्लिका अर्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी। मैंने ये FIR जयपुर संजय सर्कल थाने में दर्ज है मेरे खिलाफ, और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी आज स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और 302 का मुकदमा दर्ज है। तो उनके बारे में क्या चर्चा करें, ऐसे हल्के लोगों के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। तो दोस्तों खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी YouTube और Instagram पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान SK क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा Instagram और YouTube का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और Instagram पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो, हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA, BEd, BSc, BEd, BSTC, MA, MSc, MCom,
बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।